back to my channel Sweet of Tia और मैं हूँ टिया, ये मेरे हस्बैंड। इंट्रोडक्शन के लिए एक्चुअली अभी शाम के टाइम है और अभी हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, राइट? हाँ, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने दिखाया ना आप लोगों को शूज, तो ये मेरी नई शूज है वॉकिंग के लिए जो कल ही आया है और इसका जो छोटू सा हॉल है वो मैं दूसरे किसी व्लॉग में इंक्लूड कर दूंगी, तो प्लीज वो आप जरूर देखिएगा। और ये मैंने लिया है अमेजन से, मैं दिखाती हूँ, इसलिए मैं घर में आज ये पहन रही, नहीं तो बाहर का जूता हम लोग घर में कैसे पहने, राइट? तो इसीलिए क्योंकि ये हमेशा वो पहन के शूज पहन के जाते हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ तो मेरे पास नहीं था। एक्चुअली मेरे पास शूज था बट वो वॉकिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, ये वॉकिंग के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है तो इसीलिए। और ये भी रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो मैं आज आप लोगों को भी लेके जाऊंगी इवनिंग वॉक में। जी हाँ, एक्चुअली इवनिंग वॉक पे, यस इवनिंग वॉक पे हम दोनों आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं, मास्क पहनना जरूरी है। कैमरे में शायद आ रहा है या नहीं पता नहीं, बट मैं पसीना पसीना हो चुकी हूँ ये भी। और हम लोग, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं बहुत स्वेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अभी जाते हैं घर में और कुछ सामान लेना था घर का ही, तो सामान लेके हम लोग जा रहे हैं वापस घर में, मेरा यहाँ से सब जगह से हो रहा है। सो अभी अभी आप पहुँचे हैं यहाँ पे घर में और थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है अभी, तो थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने और नहा के फिर फ्रेश लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और फैन फुल स्पीड में चल रहा है। और ये बंदा यहाँ पे बैठ के फैन का हवा खा रहे हैं और साथ में मोबाइल देख रहे हैं। शार नहीं लेना है? हाँ, पहले आप ले लो उसके बाद मैं जाऊँगा। तो मैंने आज क्या क्या किया मैं बताती हूँ। मैंने आज एक वीडियो शूट किया, पब्लिश किया, दो तीन कंपनी के साथ जो वीडियो था, तीन वीडियो वो शूट किया। एक अभी शूट कर रही हूँ नॉर्मल व्लॉग और एक हम दोनों का एक वीडियो शूट करने का प्लान है। तो ये वीडियो शायद मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी बट और एक वीडियो शूट करने का आज प्लान है, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा आज शूट करने का मुझे प्लान है। तो कल परसों मैं ज़्यादातर एडिट करूँगी और थोड़ा बहुत शूट भी करती जाऊँगी, तभी जाती हूँ ऊपर। सो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ एक हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो मैं आज यूज़ करने भी वाली हूँ। तो ये है वाव स्किन साइंस के रिंगराज हेयर ऑयल। तो वाव एक इंडियन ब्रांड है और वाव के सभी जो प्रोडक्ट्स है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और वाव के सभी जो प्रोडक्ट्स है वो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इस प्रोडक्ट में 99.9% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है और जो कि बहुत ही अच्छी एक बात है। और इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है, जस्ट लाइक नो पैराबेन, नो सिलिकन, नो सल्फेट एंड नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस एट ऑल। तो मैं इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ। तो इसका टेक्स्चर कुछ जैसे कि और लाइक हेयर ऑयल की तरह ही टेक्सचर है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही लाइट वेट भी है। ये कॉम एप्लीकेटर होने की वजह से हेयर ऑयल जो है हम लगाने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत अच्छा भी रिजल्ट मिलता है। तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। ये है वाव स्किन साइंस के भृंगराज
हेयर ऑयल जो कि हेयर के लिए बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है भृंगराज। और प्रोडक्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि एक क्यूआर कोड है जो कि आप स्कैन कर सकते हो और स्कैन करने के बाद इस प्रोडक्ट का ऑथेंटिसिटी जो है आप चेक कर सकते हो। इस हेयर ऑयल में भृंगराज के अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, मोरगन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, भृंगराज एक्सट्रैक्ट एंड लेमन एसेंशियल ऑयल भी है जो कि हेल्प करते हैं हेयर रूट्स एंड स्ट्रैंड्स को मॉइस्चराइज एंड रिपेयर करने में एंड यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। दिस इज वेरी लाइट वेट नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल फॉर ड्राई एंड ब्रिटल हेयर एंड वीक रूट्स। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट स्ट्रैंड्स फ्रॉम डैमेज एंड रिस्टोर हेल्दी एंड शाइनी हेयर, सपोर्ट्स इन बूस्टिंग सर्कुलेशन टू द स्कैल्प एंड स्टिमुलेट्स द रूट्स। इट कम्स एंड बैलेंस इरिटेटेड एंड सेंसिटिव स्किन। तो मैंने हेयर ऑयल बहुत अच्छे से लगा लिया है और मसाज भी कर लिया है और मैं इस हेयर ऑयल को एक घंटा तक रखूंगी और उसके बाद मैं शैम्पू कर लूंगी। आप कोई भी शैम्पू से आपका पसंदीदा कोई भी शैम्पू से आप शैम्पू कर सकते हो। आप ये ओवरनाइट भी रख सकते हो और नेक्स्ट डे आप शैम्पू भी कर सकते हो। तो वाव के ये प्रोडक्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और वाव का सभी जो प्रोडक्ट है वो सभी जगह अवेलेबल है, जस्ट लाइक मिंत्रा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, और वाव का खुद का भी वेबसाइट है तो वहां से भी जाके आप परचेस कर सकते हो। और एक अच्छी बात है, वाव का सभी जो प्रोडक्ट्स है वो अभी आपके नियर बाई लोकल स्टोर में भी अवेलेबल है, तो आप अगर ऑनलाइन नहीं परचेस करना चाहते हो तो आप अपने लोकल स्टोर में विजिट कीजिए और ये भी आप परचेस कर सकते हो। सो फ्रेश होके हम लोग आ गए हैं डिनर करने, तो डिनर आज कुछ स्पेशल है। तो क्या स्पेशल है आज? हमारे जो मजला भैया है उनका हैप्पी बर्थडे है और इसके लिए भाभी जी ने बहुत अच्छा से चिकन करी, चिकन नहीं मटन, मटन करी और फ्राइड राइस, फ्राइड राइस नहीं पुलाव, पुलाव नहीं पुलाव, पुलाव मटन करी और पुलाव बना के भेजी है। तो हम लोग वही खाएंगे, बहुत दिन बाद टेस्ट करूंगा, देखते हैं कैसा लगता है और मेरे पेट में सहन होता ही है। तो भैया जी का बर्थडे है और इसीलिए जेठानी ने सब कुछ बना के भेजी है। आज डिनर जो है उन लोगों के तरफ से है तो बहुत ही यम्मी डिनर है आज। खुशबू बहुत देखने में भी बहुत बढ़िया है और एक्चुअली मेरी जेठानी जो है वो बहुत अच्छी कुक है, वो बहुत अच्छी खाना बनाती है तो बहुत अच्छा लगता है उनका खाना। मैंने शुरू कर दिया, आप हाँ, मैं भी खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है आज। हे गाइस, सो कल मैंने शूट नहीं किया है तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूंगी, तो आज कंटिन्यू कर रही हूँ मैं ये वीडियो को। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे इनके साथ मतलब कपल वीडियो बनानी है, फनी वीडियो, हस्बैंड डज माय मेकअप, तो इसके लिए मैं प्रिपरेशन जो है वो कर लेती हूँ। तो सोच रही थी आप लोगों को भी दिखा दूँ कैसे हम लोग एक वीडियो के पीछे काम करते हैं और सेटअप रेडी करूंगी और उसके बाद क्या होगा, हाँ उसके बाद वो मुझे तैयार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जुगाड़, ये सब है जुगाड़ वीडियो में अच्छा दिखाने के लिए। इसके ऊपर मैं सारा चीज रखूंगी, देखिए इतना सारा सामान यहाँ पे रखा है, रखा हुआ है और मुझे इतना सा आइडिया नहीं है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे करना है।
तो वो अभी तैयार होने गई है और देखते हैं क्या होता है। होगा कुछ देखने लायक तो ज़बरदस्त कुछ तो होगा ही, क्या होगा देखते हैं फिर। तो मैं हो गई हूँ थोड़ी सी रेडी मतलब सिर्फ बालों को मैंने थोड़ा सा ठीक किया है और इयररिंग पहन लिया है और मैं बेयर फेस जा रही हूँ। मेकअप तो इनको करना है और मैंने थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे रेडी कर लिया है, आप लोगों को भी दिखाया है। वहाँ पे मैंने एक टूल के ऊपर एक मनी प्लांट और एक लकी बम्बू दे दिया है। ग्रीनरी ऐड करने से बहुत ही अच्छा दिखता है। और एक सैड न्यूज़ है कि अभी लोड शेडिंग हो गया तो एसी बंद, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, एसी नहीं है, फैन नहीं है, लाइट रहता भी है तो फैन ऑन नहीं कर सकते क्योंकि फैन का आवाज बहुत ज्यादा होता है कैमरा में, एसी का थोड़ा सा कम होता है। तो लोड शेडिंग हो गया, पता नहीं अब कब हम लोग कर पाएंगे ये चीज। क्या कर रहे हो आप? मैं देख रहा हूँ, कुछ समझ में अगर आ जाए तो थोड़ा सा थोड़ी सी आसानी होगी मेकअप करने में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बंदा भी देख रहा है कि मेकअप कैसे किया जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग इनको कुछ नहीं आता है मेकअप के बारे में, मतलब इनको प्रोडक्ट नॉलेज भी नहीं है। मैं ऐसे बंदे को लेके बैठ गई हूँ मेकअप वीडियो करने के लिए, बट ये बहुत ही फनी वीडियो होने वाला है। तो जो भी है, तो लाइट आ गई है और मैं अभी स्टार्ट करूँगी, नहीं तो ये वीडियो जाने में, क्योंकि ये वीडियो आज मुझे पब्लिश करनी है, ये मेकअप वाली वीडियो आज ही हम लोग कर रहे हैं और आज ही पब्लिश करनी है और बहुत फनी होने वाला है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो ये स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद में मिलती हूँ। ये व्लॉग अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ वो वीडियो जाके पहले देखिए कि कैसा हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं इस व्लॉग को अभी थोड़ा सा स्टॉप रखती हूँ और वो वीडियो शूट करती हूँ। तो ये सब अभी फैला हुआ है तो यहाँ पे ये तो रख रहे हैं और मेकअप कुछ ऐसा आया है टर्नआउट। और कैसे हुआ है कैसा नहीं हुआ है अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, बहुत ही फनी है। और मैं अभी जाऊंगी शार लेने और उसके बाद बहुत सारा काम है जो कि मैं बाद में करूंगी एडिट करने के बाद। ये सब अभी मिस है। हे गाइस, तो बहुत देर बाद मैं मिल रही हूँ। हम लोगों ने इतना बड़ा वीडियो बना लिया है ना, 50 मिनट का वीडियो है, मैं एडिट करके 27 मिनट्स में लाई हूँ वो वीडियो। बट अभी रात शाम के 6:30 बज रहा है बट मेरा एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक इसमें मेरा 10 मिनट्स का काम बाकी है। उसके ऊपर मुझे लगा है इतना ज़्यादा भूख, मैं लंच करके आई थी 2:30 बजे बट मुझे इतना ज़्यादा भूख लगी है अभी, क्या बताऊँ, खाने का भी टाइम नहीं क्योंकि ये वीडियो आज मुझे पब्लिश करनी ही होगी और इस वीडियो को भी मैं शूट कर रही हूँ। तो हस्बैंड लाए हैं मोमोज मेरे लिए, एक्चुअली मुझे 2-3 दिन से मोमो खाने का बहुत मन कर रहा था बट फाइनली आज हुआ है मोमो खाने का। ये हाथ नहीं लगाएगी अभी क्योंकि कीबोर्ड में काम कर रही है। ऐसा हस्बैंड सबको मिले, ऐसा हस्बैंड मेकअप सबको मिले। सेव हो रहा है, एडिट का काम में हो गया है और यहाँ पे जो मेकअप ब्रश आज यूज़ किया गया था वो मैंने वॉश कर दिया है और यहाँ पे आई लैशेज भी देख सकते हो, 4 pair ऑफ आई लैशेज भी मैंने वॉश कर दिया है। और अभी अचानक से बारिश स्टार्ट हुई है, 3-4 दिन से भयानक गर्मी हो रही थी यहाँ पे और अभी बारिश हो रही है और अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने पाम ट्री को यहाँ पे रखा है 2-3 दिन धूप दिखाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा, मतलब हवा जब चलता है और पत्ते जब हिलता है ना, मुझे पता नहीं ये देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने चेंज भी कर लिया था क्योंकि शाम के टाइम पे जो पूजा आरती वगैरह था इसीलिए मैंने चेंज भी कर लिया था आज। तो इस वीडियो को मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं मिलती हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।